हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल हरी टेक्निकल। और मेरे दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। उससे क्या होगा, फास्ट फास्ट जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो मेरा लेटेस्ट एलईडी का ऊपर जो भी वीडियो है आप फास्ट फास्ट नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। आप मेरा लेटेस्ट वीडियो फास्ट देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो जो दोस्तों कमेंट किए हैं जिसका आंसर नहीं मिला है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं आप लोगों का आंसर दे नहीं सका, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों का आंसर मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों का जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ये देखिए एक एलईडी सर्किट है, ये ओरिएंट कंपनी का सर्किट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें किस तरह से आप चेक कीजिएगा, किस तरह से क्या मैं वो आप लोगों को समझाने वाला हूँ वीडियो में, इसमें दिखाने वाला हूँ। तो आप दोस्तों जो जो आप लोग दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं तो क्या फॉल्ट है वो आप लोग तो ठीक से लिखते नहीं हैं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या फॉल्ट है। तो थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, जब मैं समझ में आऊँ तो आप लोगों का आंसर का मैं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों जो नए नए मैकेनिक जो सीख रहे हैं वीडियो को एलईडी बनाने जो सीख रहे हैं, वो पहले पहले क्या क्या पार्ट्स चाहिए आप लोग वो आप लोग जान लीजिए। सिरिंज बोर्ड बना लीजिएगा, जिसका मैं वीडियो बनाया हूँ बोलेंगे तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में सिरिंज बोर्ड का लिंक दे दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा उस पर जाके सिरिंज बोर्ड किस तरह से बनाते हैं वो, किस तरह से चेक करते हैं एलईडी वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को दोस्तों देखिए, एक एलईडी है ये वाला, ये देखिए ये एलईडी ओके है, ये देखिए जल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का एकदम इजी तरीका, आसान तरीका, जो मान लीजिए आपका ये एलईडी ख़राब हो गया तो आप किस तरह से चेक कीजिएगा, कैसे किस तरह से जल्दी चेक कीजिएगा, उसके बारे में ये वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, दोस्तों देखिए इस एलईडी को चेक करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, सिरिंज बोर्ड से किस तरह से चेक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक सिरा इस पर रखिएगा और एक प्लस पर रखिएगा, तो ये ग्लो करेगा, ये देखिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमारा ये ओके है, ठीक है दोस्तों, सर्किट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से फटाफट चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा नए मैकेनिक, और सावधानी से एलईडी रिपेयर कीजिएगा। तो देख लीजिए, एक सिरा इस पर रखेंगे सिरिंज का और एक इसमें रखेंगे, ये देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, हमारा सारा एलईडी ग्लो किया, तो इसका मतलब हमारा ये पीसीबी एमपीसीबी एलईडी ओके है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सर्किट का बता रहा हूँ मैं एक एलईडी रिपेयर किया था, आप लोगों उसका वीडियो मैं नहीं बनाया, वो एलईडी ग्लो नहीं कर रहा था, तो मैं क्या किया हूँ, आईसी का दोनों बीच वाला खाली शॉर्ट किया, एलईडी ग्लो करने लगा और वो अभी तक मेरा घर में ग्लो कर रहा है, जल रहा है एलईडी, ठीक है दोस्तों। कभी कभी इस तरह से फॉल्ट भी आता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या कीजिएगा, ऐसे शॉर्ट कीजिएगा तो आपका पीसीबी एक उड़ जाएगा, एक एलईडी इसमें का उड़ जाएगा, तो आप वो मत कीजिएगा, उसका मैं वीडियो बनाऊँगा किस तरह से, तब आप देख के कीजिएगा तो आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज का आपको आप लोगों का जो नए नए दोस्त जो आप एलईडी के ऊपर देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं जो नए नए सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक दो टिप बता दूं। मैं देखिए दोस्तों एमओवी, देखिए एमओवी ये जो ग्रीन कलर का है ये आप निकाल दीजिएगा, ख़राब हो जाएगा तभी भी आप एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। जो नए सीख रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं। एक देखिए कैपेसिटर का देख लीजिएगा, जो फुला होता है ये सब तो आप लोग देख लेंगे, जो नए नए सीख रहे हैं वो जो मेरे वीडियो को जो नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ज़रूर देखिएगा ये कैपेसिटर फूल जाएगा कि नहीं, ये सब देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के पास मल्टीमीटर हो तो बहुत अच्छा है, मल्टीमीटर से भी कंपोनेंट चेक कर सकते हैं और एलईडी उसके देख के वीडियो को आप सीख सकते हैं। दोस्तों अभी क्या है, अब कोई कमेंट कीजिएगा कोई फॉल्ट के बारे में, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसका आंसर दूंगा और उसी का ऊपर मैं अपना ये एलईडी सर्किट को उसी फॉल्ट को बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बतलाऊंगा और आप अपना एलईडी मेरा वीडियो देख के ओके कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या फॉल्ट है आप लोगों का एलईडी में वो बताइए मुझको, और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आप उस अपना एलईडी को ओके कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नए देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ठीक है दोस्तों, और मेरे को कमेंट कीजिए, अब मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बनाऊंगा और एलईडी आप अपना ओके कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच हरी टेक्निकल, थैंक्स।